वेलकम टू सीए गुरु जी चैनल। मैं हूँ पूजा और आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ जीएसटी पोर्टल के न्यू फीचर्स एज ऑन 24 अगस्त 2019, यानी कि कुछ अपडेटेड फीचर जो जीएसटी पोर्टल पे आए हैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ इस वीडियो में। और ये फीचर बड़े ही हेल्पफुल हैं, आपको मदद करेंगे आपकी कई क्वेरीज को सॉर्ट आउट करने में। तो अगर आप भी जानना चाहते हैं जुड़े रहेगा इस वीडियो के साथ। और अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो जल्दी से लाइक के बटन पे क्लिक कर दीजिए और इम्पोर्टेंट लगती है तो शेयर जरूर करिए। सो लेट्स स्टार्ट। जीएसटी पोर्टल पे हमेशा कुछ ना कुछ अपडेट होता रहता है और इस बार जो अपडेशन हुई है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है और आपके लिए हेल्पफुल भी है। इसके लिए आपको क्या करना है, अपने जीएसटी पोर्टल पे लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद आपको दिखाई देता है सर्विसेज का टैब। सर्विसेज के टैब में आपको आने के बाद यूजर सर्विसेज पे आना है। यूजर सर्विसेज पे आने के बाद आपको दिखाई देगी एक ऑप्शन ग्रेवियंस एंड कंप्लेंट्स। इसमें एक बहुत अच्छा फीचर ऐड हुआ है, चलिए आपके साथ शेयर करती हूँ। आपको इस पे क्लिक करना है। क्लिक करते ही आपके सामने ऊपर दो टैब्स आ गई, सबमिट ग्रेवियंस एंड इंक्वायर स्टेटस। सबमिट ग्रेवियंस में आपको ग्रेवियंस सबमिट करना है और ग्रेवियंस सबमिट कर लेने के बाद उसका स्टेटस जानने के लिए ये वाला टैब यूज होगा। ठीक है, अब नीचे आते हैं हम। इसमें दिया है ग्रेवियंस टाइप। यहाँ पे आपको दो तरह के ग्रेवियंस दिखाई दे रहे हैं, कंप्लेंट अगेंस्ट रजिस्टर्ड टैक्स पेयर या अनरजिस्टर्ड पर्सन या एंटिटी। जी हाँ, अब आप कंप्लेन कर सकते हैं, चाहे वो रजिस्टर्ड टैक्स पेयर है, अनरजिस्टर्ड पर्सन है या कोई एंटिटी है। जी हाँ, और आपको इसका सोल्यूशन भी जरूर मिलेगा। कई बार क्या होता है, आप किसी ऐसे पर्सन से आपने परचेज कर लिया जो अपनी जीएसटी के रिटर्न्स टाइम पे नहीं भर रहा या अपनी जीएसटी को टाइम पे पे नहीं कर रहा, या किसी भी तरह की कंप्लेन आपको किसी रजिस्टर्ड टैक्स पेयर से है जिसके साथ आप बिजनेस करते हैं, तो आप ऑनलाइन कंप्लेन फाइल कर सकते हैं। पोर्टल पे ही आपके लिए दे दिया गया है ग्रेवियंस डालने का ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन है ग्रेवियंस अगेंस्ट पेमेंट, ये ऑलरेडी था, तो हम इस नए फीचर के बारे में बात करेंगे। देखते हैं कैसे करनी है कंप्लेंट। इस पे आपको क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद ग्रीवेंस का टाइप तो हमने चूज कर लिया, प्रीवियस ग्रीवेंस नंबर, अगर आपने पहले भी कोई ग्रीवेंस डाली है तो उसका नंबर आपको प्रीवियस ग्रीवेंस नंबर में ऐड करना है। जहां पे रेड कलर का स्टार है वो फिट्स मैंडेटरी है। आपकी कुछ चीजें यहाँ पे ऑटोफिल आ जाएंगी, जैसे कि आपका स्टेट, डिटेल ऑफ टैक्स पेयर हु इज रिपोर्टिंग द ग्रीवेंस, आपका जीएसटी नंबर, आपका नेम एंड एड्रेस ऑफ द बिजनेस। नीचे जो डिटेल है नेम ऑफ द कंप्लेंट, यहाँ पे आपको अपना नाम ऐड करना है, यानी कि आपके ट्रेड नेम के अलावा आपका जो नाम है, या फिर अगर आप पार्टनरशिप फार्म में हैं तो जिस पार्टनर ने कंप्लेन डालनी है, अगर आप ट्रस्ट की बात करें हम तो जिस ट्रस्टी ने कंप्लेन डालनी है, कंपनी के केस में जिस भी चेयरपर्सन ने कंप्लेन डालनी है उसको अपना नाम यहाँ पे एंटर करना है। अपनी डिटेल्स को देखने के बाद जब आप नीचे आएंगे तो आपके पास ऑप्शन आ रही है डिटेल ऑफ टैक्स पेयर अगेंस्ट हुम ग्रेवियंस इज बीइंग रिपोर्टेड। तो जिस पर्सन के लिए आपको ये ग्रेवियंस डालनी है आपको उसकी कुछ डिटेल्स ऐड करनी है। मैंडेटरी फील्ड वही है जिन पे रेड कलर का मार्क है, जैसे कि जीएसटीएन या अदर आईडी डालना मैंडेटरी नहीं है, आपके पास अवेलेबल है तो आप डाल दीजिए, अदरवाइज आप डालिए उनका नेम एंड एड्रेस ऑफ द बिजनेस। नीचे आपको डालना है नेम ऑफ द इंडिविजुअल एंड डिस्क्रिप्शन में डालना है अपना ग्रेवियंस, जिसमें मैक्सिमम 4000 कैरेक्टर्स आप लिख सकते हैं। तो यहाँ पे डिस्क्रिप्शन लिखेंगे आप, और साथ ही अगर आपके पास कोई सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट है तो वो भी आप यहाँ पे अटैच कर सकते हैं। ये होगा पीडीएफ में या जेपीईजी में, और इसका साइज होना चाहिए मैक्सिमम 500 KB। तो अगर आपकी कोई भी कंप्लेन है किसी रजिस्टर्ड टैक्सपेयर के लिए, अनरजिस्टर्ड टैक्सपेयर के लिए या किसी एंटिटी के लिए, और आपको कोई सोल्यूशन नहीं मिल रहा है, तो आप यहां से कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं और सबमिट कर सकते हैं। अब जब आप कंप्लेंट फाइल कर लेंगे तो अब आपको उसका स्टेटस देखने के लिए कहां जाना है, चलिए डिस्कस करते हैं। कंप्लेंट डाल देने के बाद यहां पे आपको ऑप्शन दी है इंक्वायर स्टेटस, इस पे आपको क्लिक करना है। स्टेटस को आप दो तरह से चेक कर सकते हैं, अगर आपके पास ग्रेवियंस नंबर अवेलेबल है तो नंबर एंटर करिए और सर्च पे क्लिक कर लीजिए, अदरवाइज आप डेट रेंज डालिए, जो भी डेट आपने जिस भी डेट के आसपास अपनी ग्रेवियंस डाली वो डेट टू डेट डाल के और सर्च कर लीजिए, आपको नीचे आपकी ग्रेवियंस का स्टेटस दिखाई देने लगेगा। सो दिस इज द वन ऑफ द न्यू फीचर। चलिए एक और नया फीचर आपके साथ डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट फीचर भी बड़ा अच्छा और रिलीवेंट है। जैसे आप अपने जीएसटी पोर्टल पे लॉगिन करते हैं तो अब आपको कुछ टैब्स जो दिखाई देते हैं उनमें से एक नया टैब जो अवेलेबल हुआ है
वो है व्यू नोटिसेस एंड ऑर्डर्स। ये टैब काफी दिनों से आ चुका है, बड़ा ही हेल्पफुल है। इसमें आप डायरेक्टली अगर आपके अगेंस्ट कोई भी नोटिस आया है, कोई ऑर्डर आया है, पहले हमें सर्च करना पड़ता था यूजर सर्विसेज में जाके, वहां से अपना नोटिस या ऑर्डर देखना पड़ता था। अब आपको सिंपली व्यू नोटिस एंड ऑर्डर्स पे क्लिक करना है। यहाँ पे क्लिक करते ही आपके सामने जितने भी आपके अगेंस्ट नोटिस या ऑर्डर्स होंगे वो दिखाई देंगे, और उस नोटिस को डाउनलोड करने के लिए आपको सबसे एंड में डाउनलोड की ऑप्शन दी होगी। डाउनलोड करके आप वो नोटिस देख सकते हैं और उसका डेट ऑफ इश्यूएंस एंड ड्यू डेट भी यहाँ पे आपको दिखाई देगी। तो ये है जीएसटी पोर्टल के नए फीचर्स। ऐसी ही और इम्पोर्टेंट वीडियोस आपके साथ शेयर करती रहूंगी। मुझे मोटिवेट करने के लिए इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, और मैं थैंक्स बोलना चाहूंगी अपने उन व्यूअर्स को जिन्होंने हमारे सब्सक्राइब बटन के साइड में दिए हुए बेल आइकन को प्रेस किया हुआ है और वो देखते हैं हमारी वीडियोस सबसे पहले। थैंक यू आप सभी को दिल से। और आप में से किसी ने अगर अभी तक हमारे बेल आइकन को प्रेस नहीं किया है तो उसे जरूर प्रेस करिए और देखिए हमारी वीडियोस सबसे पहले। Thank you for watching. Bye bye.